साढ़े तीन महीने से समग्र विकास परिषद के बैनर तले किसान 25 सूत्री मांग पत्र के निस्तारण के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। 6 अक्टूबर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जन्म तिथि पर 4 दिन रात का किसान हुंकार महापंचायत चली। 12 नवंबर को चक्का जाम किया गया। निरंतर प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, किसी भी समस्या का धरातल पर समाधान नहीं हो रहा है। किसान बार बार आघात कर रहे हैं। पिछली 29 नवंबर को हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि जो किसानों की समस्याओं के प्रति निष्क्रिय अधिकारी हैं, जो समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहते हैं, उनके खिलाफ जिला प्रशासन मुकदमा पंजीकृत करा के उन्हें जेल भेज दे। शासन नए अधिकारी देगा, वो समस्याओं का समाधान करेंगे। प्रशासन कोई भी काम करने को तैयार नहीं है, इसलिए किसानों ने आज ये शपथ ली है कि 25 सूत्री मांग पत्र सहित जब तक ब्रज प्रदेश नहीं बनेगा तब तक सर पर नहीं होंगे केस। इस नारे के साथ आज किसानों ने यह मुंडन कार्यक्रम कराया है और सनातन धर्म के हिसाब से प्रयास है कि जिला प्रशासन की बुद्धि शुद्धि में ये काम आए, इनके दिमाग को शुद्ध करने का काम करें और सरकार की नजरें एटा की तरफ भी हों। योगी जी की नजरें जाने कहां कहां घूम रही हैं, जन जन किन किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। किसान मजदूर महिलाओं के लिए काम नहीं करना चाह रहे हैं, जो अधिकारी काम नहीं करना चाह रहे हैं उन्हें दंडित करें और अच्छे लोगों को यहां भेजें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश का कुछ भाग लेकर के ब्रज प्रदेश बनाया जाए। इसके साथ साथ जिन किसानों की जमीन चली गई है, जमीन किसान की पीढ़ी दर पीढ़ी जीविका का साधन है, जिससे जमीन जा रही है उसे पीढ़ी दर पीढ़ी रोजगार देने की भी व्यवस्था सरकार करे। बम्मा रजवाओं में पानी नहीं है, विभागों में पर्याप्त भ्रष्टाचार है, बिना भ्रष्टाचार के किसी का काम नहीं हो रहा है। इन सारे मुद्दों पर हम लोगों का संघर्ष चल रहा है और बहुत सारी मांगे ऐसी हैं, अगर जिला प्रशासन चाहे तो एक दिन में उन समस्याओं का समाधान हो सकता है। कितने किसानों ने मुंडन कराया है? अभी सांकेतिक रूप से 5 किसानों ने यहाँ मुंडन कराया है। मांगे नहीं मानी गई आपकी, चरणबद्ध तरीके से बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए।